सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक इम्प्रेसिव वीडियो बनाई है, जो गाइस नए बिगनर हैं, लर्नर हैं, उनके लिए बड़ी इम्प्रेसिव वीडियो है। शैल वी स्टार्ट द क्लास? सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल यूज ऑफ डियर। हम यहाँ पे डियर का स्पेशल यूज कर रहे हैं, और जो डियर की मीनिंग है वहां। सो गाइस, यहाँ पे डियर का मीनिंग वहां से नहीं है। गाइस, मैंने यहाँ पे एक नोट में एक रू लिखा है, Where there is no idea of subject, जहां पर subject की पहचान नहीं होती है, वहां पे there का प्रयोग किया जाता है। Next, object start the sentence, sentence को object शुरू करता है, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? There का यूज करते हैं। Are you getting guys? Yes sir. And next, third sentence लिखा मैंने यहाँ पे particular place, जब हम किसी विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं, like India, उत्तराखंड, देहरादून, तब भी हम देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है, जिन भी हिंदी वाक्यों के बीच में और पर आता है, जिन भी हिंदी वाक्य के बीच में और पर आता है, वहां पे भी हम देयर का यूज करते हैं। ये मैंने एक हिंट्स के रूप में यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से ना करें, लाइक मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मेरे ऑफिस में एक लड़की है। तो आप लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं? इन माई ऑफिस, ऐसे सेंटेंस प्रीपोजिशन शुरू नहीं किए जाएंगे। यहां पे क्या होगा? देयर इज अ गर्ल इन माई ऑफिस, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा गाइस, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से ना करें। नेक्स्ट, स्टोरी की स्टार्टिंग के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं, लाइक देयर वॉज अ किंग, मैं पास से बता रहा हूं कि देयर वॉज अ किंग इन माई ब्लेज। तो जब हम किसी स्टोरी की टेलिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं गाइस? देयर का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? यस सर। नेक्स्ट, अगर देयर वाक्य के अंत या बीच में, अंतिम में और बीच में आता है, तो उसका मतलब वहां होता है, राइट गाइस? इसका मतलब है, मैंने यहां पर लिखा है, आई वेंट देयर, सी सेट देयर फॉर टू hours. नेक्स्ट, यू शुड वेट देयर, आपको वहां इंतजार करना चाहिए। और लास्ट में लिखा, अनिल विल गो देयर, अनिल वहां जाएगा। सो गाइस, मैं इसी रूल पे डिस्कस कर रहा हूं, अगर देयर वाक्य के अंत या बीच में आता है, तो उसका मतलब वहां होता है। यदि अगर देयर वाक्य के स्टार्ट शुरू में आता है, तो देयर साइलेंट हो जाता है, ओनली केवल एक सपोर्ट का काम करता है। सो गाइस, यहां पे मैंने बताया था, अगर देयर सेंटेंस के लास्ट में या बीच में आता है, तो वो किसका काम करता है गाइस? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, राइट? सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे एक रूल लिखा है, Dear, then is, oblique are, then object, और फाइनली मैंने यहां पे object लिखा। और इसी रूल को अगर हम पास में बनाते हैं, तो dear was, oblique were, then object। सो गाइस, इसका यूज सिमिलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। सेम कंडीशन वही पास में होती है, वर्स का सिमिलर के लिए और वर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। सो गाइस, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, बोतल में पानी है। सो गाइस, मैंने कहा भी था आपको कि यहां पे हिंदी वाक्य बीच में मैं और पर में से कोई चीज आती है, वो एक प्रीपोजिशन है, तो वहां से सेंटेंस शुरू नहीं किया जाता है। डियर इज वॉटर इन द बोटल। सो गाइस, सेंटेंस को शुरू कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, यहां पे मेज पर किताब है, हिंदी वाक्य के बीच में क्या है यहां पे? पर आया कि मेज पर किताब है। There is a book
ऑन द टेबल, मेज पर किताब है। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, यहां पे मेरे ऑफिस में एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल इन माई ऑफिस। तो सेंटेंस को यहां पे भी ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है और सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो देखो यहां पे क्या है, मेरे हाथ में, यहां पे एक प्रीपोजिशन आरंभ है, तो इन माय हैंड ना बोलकर क्या बोलेंगे आप यहां पे, देयर आर 5 फिंगर्स इन माय हैंड। सो गाइस, एनी डाउट? सो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ring the bell icon।